नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आज चुनाव आयोग पसीना पसीना हो गया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग पर इस दरमियान गंभीर आरोप यह लगा है कि वो फाइनल पोलिंग डेटा सार्वजनिक करने में काफी समय लगा रहा है और इस दौरान हेर फेर के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह भी कहा गया कि अचानक से वोटिंग प्रतिशत में इतना इजाफा कर दिया जा रहा है जो किसी को पछता नहीं है। और इसी संबंध में एडीआर के वकील प्रसाद भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई, जिसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि चुनाव आयोग के वकील को कहा कि तुरंत जाकर इंस्ट्रक्शंस लेकर आओ और मैं इस केस में आज ही सुनवाई करने जा रहा हूं। सुनवाई शुरू भी हुई और फिर चुनाव आयोग पर तीखे सवाल भी हुए। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस केस में इतने सीरियस हो गए कि उन्होंने खुले तौर पर कहा दोनों पक्ष से कि यह मामला मुझे सीरियस लग रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सारी रात इस केस की सुनवाई करने जा रहा हूं और इस मामले में किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचना होगा। दरअसल चुनाव आयोग जिस तरीके से पोलिंग डेटा का जो फाइनल हिसाब किताब है उसे इतने लेट लतीफे से जारी कर रहा है और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा कर दे रहा है, करोड़ वोट एड ऑन कर दिया है, जिसके चलते गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग यहां भी बहानेबाजी करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में स्टेट बैंक ने बहानेबाजी की कि डेटा तो है लेकिन इसे इकट्ठा करने में समय लगेगा। ठीक वही बातें कि समय चुनाव आयोग को इसलिए लगता है कि इन्हें 17C को कलेक्ट करने में, पूरे डेटा को इकट्ठा करने में समय लग जाता है, जबकि यह भी एक बहानेबाजी है। और इस मामले में कोर्ट रूम में क्या हुआ है पूरी बात हम बताएंगे आपको, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो चुनाव आयोग अचानक से 6% तक वोटिंग के आंकड़े बढ़ा देता है, तमिलनाडु में ईवीएम में 46 लाख एक्स्ट्रा वोट जोड़े जाते हैं, ओवरऑल 1 करोड़ एक्स्ट्रा वोट जोड़े जाते हैं, यह कैसे होता है? यह इतनी बड़ी जो गड़बड़ी है या जो आरोप लग रहे हैं इस पर पूरे देश में हैरानी है, क्या ईवीएम में खेल किया जा रहा है? आपको बता दें कि इस मामले पर हम एक बड़ा डिबेट करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार कल जुड़ेंगे, शनिवार को शाम 8 बजे हमारे साथ हेमंत कुमार रहेंगे और इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो घटनाक्रम हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं, पूरी रिपोर्ट समझा देते हैं, ताकि आप भी कल अपने सवालों के साथ तैयार रहिएगा कि आखिर चुनाव आयोग डेटा सार्वजनिक करने में, मतदान के बाद डेटा सार्वजनिक करने में समय क्यों लगाता है, क्योंकि इसके पीछे जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो भी हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि कैसे 46 लाख वोट एड ऑन किए गए हैं ताकि फाइनल डेटा सार्वजनिक करने में यह दिखाया जा सके कि 6% वोट की बढ़ोतरी कहां से हो गई है, आखिर इतना बड़ा गैप कैसे था, इसको लेकर कोई सफाई अभी तक आई नहीं। अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, फॉर्म 17C डेटा रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा जोखा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा एसए हियरिंग ऑन वोटर टर्नआउट डेटा। रिपोर्ट में देखते हैं क्या बताया गया है। यहां कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फॉर्म 17C डेटा का खुलासा करने को कहा है। एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें ईसीआई को यह निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटों के भीतर मतदान केंद्र वार मतदाता मतदान डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित शर्मा से पूछा कि फॉर्म 17C डेटा का खुलासा नहीं करने में क्या आपत्ति। कोर्ट ने कहा कि चुनाव निकाय को डेटा का खुलासा करना चाहिए। इस पर ईसीआई के वकील शर्मा ने जवाब दिया कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जिसमें फॉर्म 17C शामिल है उसमें समय लगता है। अब ये फिर बहानेबाजी हो गई, सुप्रीम कोर्ट इनकी चालाकी को अच्छे से समझता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड केस में महज 24 घंटे का समय दिया गया स्टेट बैंक को, क्योंकि बैंक ने बहानेबाजी की कि डिटेल इकट्ठा करने में हमें तो समय लग जाएगा।
लेकिन 24 घंटे में घुटने पर एसबीआई को आना पड़ा और चुनाव आयोग के सामने पूरा डेटा रखना पड़ा था। अब चुनाव आयोग को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ ने इस मामले में कड़े तेवर दिखाए हैं। यहां देखिए अपने स्क्रीन पर, आगे कहा जा रहा है कि एडीआर ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि चुनाव के 4 चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं और पोलिंग डेटा के संबंध में सवाल उठाना पोलिंग एजेंट का अधिकार है क्योंकि पोलिंग एजेंट को फॉर्म लेना होता है। भूषण ने तर्क दिया कि नागरिकों को लगता है कि शायद ईवीएम को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अचानक मतदान डेटा में 6% की वृद्धि हुई है। एडीआर के आवेदन में कहा गया है कि 30 अप्रैल 2024 के ईसीआई के प्रेस नोट में असामान्य रूप से उच्च संशोधन 5% से अधिक करीब 6% तक कहा गया है कि और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के आंकड़ों की अनुपस्थिति के साथ अंतिम मतदाता मतदान डेटा जारी करने में अत्यधिक देरी हुई। पूर्ण संख्या में उक्त डेटा की सत्यता के संबंध में चिंताएं और सार्वजनिक संदेह पैदा हो गया है। किसी को भी संदेह हो जाएगा कि आपके ईवीएम में 46 लाख वोटों का हिसाब नहीं था क्या? अगर नहीं था तो अचानक से एड ऑन कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह? अब जब चुनाव आयोग से इस पर पूछा जाता है तो कहते हैं कि कई सारे फैक्टर हैं, उस फैक्टर के आधार पर यह सब कुछ बढ़ गया है। यहां देखिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग के वकील अमित शर्मा से पूछा क्या वे 17C के आधार पर वोटों के प्रतिशत का खुलासा करते हैं। जब ईसीआई 66% मतदान की घोषणा करता है और क्या यह फॉर्म 17C डेटा पर आधारित है? शर्मा ने कहा कि इसमें कई पहलू शामिल हैं और अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें इसे स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई के लिए 1 घंटे बाद फिर से एकत्र होंगे। आज उन्होंने पूरी सुनवाई की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा कि फिर भले चाहे पूरी रात क्यों ना हो जाए, हम सारी रात इस केस को सुनने वाले हैं और यह बहुत बड़ा मामला बन सकता है। चुनाव आयोग द्वारा डेटा में हेरफेर करने का अगर आरोप यहां सिद्ध हो जाता है तो समझिए भारत के सबसे मजबूत संस्था पर गंभीर दाग लगने जा रहा है। यहां क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने मतदाता आंकड़ों के तत्काल प्रकाशन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की है। एडीआर की याचिका में मांग की गई है कि शीर्ष न्यायालय चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वह अपनी वेबसाइट पर सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C Part 1 रिकॉर्ड किए गए वोटों का हिसाब की स्कैन की गई लेजिबल कॉपी सुपाठ्य प्रतियों का प्रकाशन मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर करे जिसमें डाले गए वोटों के प्रमाणित आंकड़े शामिल हों। अब यहां पर कुल वोट का हिसाब ऑनलाइन फॉर्म 17C स्कैन करके डिजिटली आप अपलोड कर ताकि किसी को कोई संदेह इस मामले में ना रहे। क्या चुनाव आयोग इतनी हिम्मत कर पाएगा कि 17C के डेटा को सार्वजनिक करे, वो भी 48 घंटे के भीतर, इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ईवीएम से जो वोटिंग के लगातार आंकड़े बढ़ा दिए जा रहे हैं वो कैसे संभव हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम इस मामले में आपको दिखाते हैं कि कैसे डेटा में बहुत बड़ा हेर फेर है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस भी जारी है। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर रिपोर्ट क्या है। डॉक्टर मीना कंडा सैमी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये फेज 1 फाइनल वोटिंग डेटा टेबल PDF है जो चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया, इलेक्शन कमीशन ने इसे जारी किया। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके बताया है कि देखिए कितने कितने वोट बढ़ाए गए हैं और इस पर सफाई क्या है। इसमें जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला था वो आपको तमिलनाडु का नजर आएगा। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट हैं और इसमें जो एस्टिमेटेड पोल टर्नआउट बताया गया था उसमें दिखाया गया कि यह 62.19% है, लेकिन वोटर टर्नआउट जो फिर ईसीआई ने प्रेस नोट में जारी किया उसके मुताबिक यह बढ़कर 69.72% हो गया। जो अंतर आया, इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है 7.53
परसेंट का इंक्रीमेंट दिखाया गया है। और अब आप यहां पर देखिए कि कितना वोट बढ़ गया है, अब आपके होश उड़ेंगे। यहां इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट आफ्टर डेटा रिवीजन बाय ईसीआई, यहां बताया जा रहा है कि 46,93,745 वोट एड ऑन किए गए। अगर ओवरऑल आंकड़ा देखें, सबको जोड़ दें, इंक्रीज इन वोटर देखा जाए तो हर एक स्टेट वाइज जहां जहां फेज वन में वोटिंग हुए थे, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो, हर जगह के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो यहां पर बताया जा रहा है कि करीब करीब 1 करोड़ एक्स्ट्रा वोट ईवीएम में एड ऑन किए गए, या फिर वो डेटा कहीं मिसिंग था, या फिर डेटा में छेड़छाड़ कर दी गई। अब इस मामले को लेकर लोग सफाई मांग रहे हैं। यहां जरा आप देखिए, डॉक्टर मीना कंडासैमी ने लिखा है कि दिस फिगर्स आर अलार्मिंग, इज एन इलेक्शन कैप्चर अंडरवे, अपडेटिंग अप्रोक्सीमेटिंग डेटा इज वन थिंग, बट टू फाइंड 46 लाख एडिशनल वोट्स बीइंग एडेड इन तमिलनाडु बेस्ड ऑन ईसीआई प्रोजेक्टेड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड अ करोड़ अराउंड इंडिया, सो दिस इज एन इनएलिजेंट हाइजेक ऑफ डेमोक्रेसी। ये चुनाव आयोग कौन सा बड़ा खेल कर रहा है? तमिलनाडु में जहां बीजेपी के खाता खुलने की संभावना तक नहीं रहती है, वहां पर अचानक से 46 लाख वोट एड ऑन किए जा रहे हैं। क्या यह बीजेपी के खाता खोलने के लिए कोई तैयारी है? पूरे देश में 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए गए, क्या यह कोई खेल है जिसके जरिए फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है? इन पूरे तथ्यों को अगर जोड़ा जाए तो सीजीआई डीवा चंद्रचूड़ यूं ही नहीं सीरियस हो गए, यह मामला बेहद संगीन है और गंभीर है। और अगर इसमें अब सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेता है, सीजीआई डीवा चंद्रचूड़ कहते हैं कि आपको वोटिंग के तुरंत बाद, बिल्कुल 24 घंटे के भीतर या 48 घंटे के भीतर डेटा अपलोड करना होगा, तो फिर चुनाव आयोग के पास खेल करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट भारत के लोकतंत्र की रक्षा किस लेवल पर जाकर करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।